ये देखिए दोस्तों, मेरे टेरिस गार्डन में हरी मिर्च का पौधा कितना बड़ा हो चुका है। और ये देखिए कद्दू की बेल लगी हुई है और ये तोरियां लगी हुई हैं। टंकी के ऊपर चढ़ा दी मैंने, इसमें तोरियां के फूल आ रहे हैं। ये देखिए कितने और नए नए तोरियों के बड्स तैयार हो रहे हैं और इनके अंदर तोरियां लगी भी हुई हैं। पहले मैं आपको दूर से व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए तोरी लगी हुई है इसमें, एक तोरी ये है और एक तोरी ये है दोस्तों। ये देखिए लग रही है अभी, और एक तोरी ये रही है। ये देखिए दोस्तों अभी भी फ्रूटिंग इसमें चालू हो रही है, अभी भी फूल फल आ रहे हैं ढेर सारे। और ये कद्दू की बेल है, देखो कितनी बढ़ चुकी है। ये देखिए मेरा टेरिस गार्डन, इसका व्यू आपको दूर से एक बार दिखा देता हूँ। ये सभी पौधे मैंने गमलों के अंदर लगा रखे हैं। ये देखिए ये चीकू का पौधा है, इसमें अभी फूल फ्रूटिंग कुछ भी नहीं आया, अभी पौधा बहुत छोटा है, छोटे से गमले में लगा रखे हैं। और ये कलकत्ता पाती लेमन का प्लांट है, इसमें ये फूल आने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, फूल आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये टमाटर का पौधा है, ये हरी मिर्च, इसमें भी हरी मिर्च है। देखिए मैंने मटका था, उसको मटका फूटे हुए मटके को ही इसके अंदर लगा दिया मिट्टी डाल के। और ये मिर्च के पौधे कुछ सब पैकेट्स के अंदर लगे हुए हैं। और ये मेरा वेस्टेज डीकम्पोजर, जितनी भी खाद वगैरह बनती है इसमें बनेगी, पत्ते वगैरह इसको फूक के खाद बन जाएगी। और ये मेरी छतरी लगी हुई है डिश एंटीना, ये देखिए इसमें मैंने दो सैटेलाइट ट्रैक कर रखे हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों ये बनाना मैंगो है, अभी ये ट्रेनिंग में चल रहा है, आईसीयू में रखा है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अभी सही से चल नहीं रहा, सूख चुके हैं पौधे बिल्कुल ही। ये काटीमन मैंगो है, ये भी सूख चुका है। और ये स्टार फ्रूट का पौधा है दोस्तों, ये भी सूख चुका है।